बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को काउंसलिंग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में किया जा रहा है, जिसमें शिक्षकों को काउंसलिंग के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जा रहा है। सोमवार को 281 में से 73 लोगों को काउंसलिंग के माध्यम से स्कूल आवंटित किया गया। इस मौके पर एडीएम सिटी रजनीश चंद्र, एसडीएम सदर गजेंद्र कुमार, बीएसए बीएन सिंह, डाइट के प्राचार्य जेपी सिंह मौजूद रहे। काउंसलिंग के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया। कुछ और मैटर है तो कल एक बार बताइए, आराम से बताइए। सर, ये 408 नंबर स्कूल लिया है इन्होंने, हेमलता भारती साइंस पढ़ती है। क्या ले सकते हैं आपका, क्या सीएल नंबर है? 216। ये लेकिन निकलता नहीं है। समायोजन हो रहा है कहीं टीचर के साथ, बच्चों के सापेक्ष अध्यापकों का, जहां बच्चे कम हैं टीचर अधिक हैं उनको ऐसे जगहों पे भेजा जा रहा है कि जहां बच्चे अधिक हों अध्यापक कम हो, यह शासन की व्यवस्था के तहत किया जा रहा है। ये प्रायः होता, हमेशा होता रहता है। 281 मुख्यालय पे है और 188 ब्लॉकों पे हो चुका है और ये प्रशासन की देखरेख में ब्लॉक स्तर पे सारे उप जिलाधिकारी महोदय लगे हुए थे। यहाँ आप देख रहे हैं कि एसडीएम सदर और एडीएम सिटी साहब हैं, उन्हीं की देखरेख में पूरा ये पूरी निष्पक्षता के साथ किया जा रहा है। अध्यापक आ रहे हैं, अपना विकल्प ले रहे हैं। 281 के सापेक्ष 508 विद्यालय मेरे द्वारा खोला गया है। मेरे द्वारा क्या मतलब, इतने पद रिक्त हैं उसमें इनका समायोजन, ये आज खत्म है। 1920 को था।